कप है, तो ये कहीं ना कहीं ये कप की तरह दिखता होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नए ट्रेडर्स जो हैं इस कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न को लाइव मार्केट में पहचान नहीं पाते हैं। जो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं या इसको इसके बारे में उन्हें पता है, तो उसे ये नहीं पता होता है कि इस कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अब से आप जब भी चाय पियेंगे, इस कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न की याद आपको जरूर आने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग इसका पहले फॉर्मेशन देखते हैं कि ये कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न बनता कैसे है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है या फिर बॉटम पैटर्न है, किस तरह से इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक मार्केट का सिनेरियो बनता है, बियर मार्केट का, कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती, कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा तो वहां पे एक या तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होगा या फिर डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये दोनों पैटर्न ना बना के मार्केट जो है आपका कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न बनाती है। तो कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न कैसे बनाएगी वो मार्केट, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली आपका ऊपर की तरफ जाती रहेगी और फिर ये लगभग 30, 40, 50% का कंसोलिडेशन देखे और फिर इस लेवल को वो ब्रेक करती है। तो दोस्तों, इस लेवल को ब्रेक करने के पीछे इसके जो ट्रेडिंग लॉजिक है, मतलब कि इस चार्ट पैटर्न को अगर ट्रेड करना है तो हमारा क्या रिस्क रिवॉर्ड होगा, क्या हमारा टारगेट रहेगा, वो भी हम लोग इस पे लाइव चार्ट पे जाके डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जब भी आप ट्रेंड रिवर्स हो रहा होगा तो अगर उसने डबल बॉटम नहीं बनाया है मार्केट ने, हेड एंड शोल्डर नहीं बनाया है मार्केट ने, तो निश्चित तौर पर वो कप एंड होल्डर पैटर्न उसने बनाया होगा। तो हम लोग कप एंड होल्डर पैटर्न को ये देख के समझ सकते हैं कि ये कप एंड होल्डर पैटर्न बना है तो मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। मैं अभी लाइव आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ये पैटर्न चार्ट पे इसका फॉर्मेशन हुआ था निफ्टी के चार्ट पे, जिसको मैंने ट्रेड भी किया था, लेकिन उस ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि उसमें रिस्क रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला था। तो आप आई होप कि चार्ट पैटर्न का ये फॉर्मेशन आप यहां पे समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये कप एंड होल्डर की तरह है चार्ट पैटर्न। यहां से इसका कलर चेंज करेंगे, इसको करेंगे येलो। ये देखिए कप एंड होल्डर, ये आपका कप हो गया और ये इसका होल्डर हो गया। कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न है और ये इस लेवल का ब्रेकआउट ट्रेड किया जाता है मार्केट में। चलिए अब इसको करते हैं डिलीट और चलते हैं चार्ट पे। मैंने चार्ट पहले से इसमें सेव किया है तो चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। इसको डिलीट कर दिया। चलिए चार्ट पे चलते हैं हम लोग सीधे। ये आपका चार्ट हो गया। देखिए चार्ट पे ये पैटर्न बना था और मैंने कहा कि रिस्क और रिवॉर्ड नहीं मिला था, उसके पीछे दो लॉजिक थे। आपको यहाँ पे मार्केट में कहीं ये पैटर्न दिख रहा है? देखिए मुझे दिख रहा है पैटर्न। यहाँ पे मार्केट का एक शार्प फॉल था, ये मार्केट का ना एक शार्प फॉल था यहाँ, है ना, एक ट्रेंड था जिसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। जैसा कि भी मैंने डिस्कस किया कि अगर मार्केट ने डबल बॉटम या फिर हेड एंड शोल्डर नहीं बनाया तो निश्चित तौर पे उसने कप एंड होल्डर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया होगा। तो ये एक शार्प जो डाउनफॉल था उसके बाद मार्केट में यहाँ पर ये कप बना और ये इसका होल्डर बना, है ना, कुछ इस तरह से इसको समझेंगे। कब बना ये इसका होल्डर बना। हम लोग इसको हाइलाइटर से हाइलाइट करते हैं। ये देखिए ये है कब और ये है इसका होल्डर। जब इस लेवल का आपको ब्रेकआउट मिला, ये जो लेवल है इस लेवल का ब्रेकआउट आपको मिला, तो फिर इसको ट्रेड किया जाता है। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो मार्केट में था ना, ये कंप्लीट नेक्स्ट डे हुआ। कभी कभी ये होता है कि ये यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई और ये नेक्स्ट डे तक इसने कंटिन्यू किया, तो रिस्क रिवॉर्ड या तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी थी, तो जैसे कि ऑप्शन में इंट्राडे के अंदर पोजीशंस होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसलिए पोजीशन होल्ड नहीं की जा सकती, लेकिन इसका रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:1 का, सॉरी 1:3 और 4 का। तो अब इसको कैसे हम लोग नापेंगे, 1:3 और 4 का है, हम लोग यहाँ पे आते हैं, प्राइस रेंज देखते हैं। यहाँ पे क्या प्राइस रेंज इसने बनाया, इसका जो प्राइस है उसकी जो रेंज थी वो थी लगभग 200 पॉइंट, 193 पॉइंट
196 पॉइंट, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे रख रहा हूँ 200 पॉइंट के आसपास का था। अब ये देखिए इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा ना, तो वो 200 पॉइंट अगर ये जो कप की गहराई है तो इसी हाइट के बराबर, जैसे कप की गहराई है आपकी 200 पॉइंट की, तो यहाँ से 200 पॉइंट का हमें जो है रिवॉर्ड मिलेगा। तो ट्रेड इसको कैसे करना है, ट्रेड करेंगे हमारा ये वाला एरिया रहेगा स्टॉप लॉस का एरिया, और ये रहेगा हमारा एंट्री का एरिया, और ये रहने वाला है हम लोगों का टारगेट। ये एग्जैक्टली कप एंड होल्ड चार्ट पैटर्न है, और यही इसकी खासियत रहती है, जो इसका गहराई होती है वही इसका टारगेट होता है, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है लगभग 1:3, 1:4 का रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर ये हमारा एंट्री पॉइंट है तो यहाँ पे हमारा रिस्क कितना है, 74 पॉइंट का रिस्क है, और आपका ये रिवॉर्ड कितना हो गया आपका 70.4 से। हम लोग यहाँ से रिवॉर्ड इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे लॉन्ग पोजीशन में, लॉन्ग पोजीशन में यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये रिस्क है, तो हमारा रिवॉर्ड कितना हो गया 1:4, 1:4 or 5 का इसमें रिवॉर्ड होता है आपको। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी भी चार्ट पैटर्न की ऐसी डीप नॉलेज जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, अगर मैं कुछ वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें जो भूलता हूँ तो आप मुझे याद दिला सकते हैं, ताकि मैं अगली बार से उनको भी कवर करने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।